नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बिग बुल 420 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के बारे में। आने वाले कल में मंडे मार्केट को मार्केट किस प्रकार का मोमेंटम दे सकता है, इस पूरे वीडियो में हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, मंथली टाइम सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। इंट्राडे बेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे मैं आपको शेयर करूंगा। आने वाले मार्केट में मेरा क्या व्यू रहेगा वो आपको मिलेगा, साथ ही साथ किस प्रकार मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, सो वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगता है तो एक छोटा सा कमेंट आप जरूर छोड़ दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार बन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर लाया जाए मेरे द्वारा, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत प्यारा हफ्ता क्लोज हुआ है। क्या हुआ है? बहुत प्यारा हफ्ता, बहुत प्यारा वीक क्लोज हुआ है, जहां पर हमें देखने को मिला मार्केट में एक बहुत बढ़िया शार्प सेल देखने को मिला। ये लाइक पिछले दो हफ्ते को पूरा एक वीक पूरा खत्म करके क्लोज हो चुका है, ये हफ्ता भी क्लोज हो चुका है, एक शानदार हफ्ता रहा। वापस बोल रहा हूँ, एक शानदार बेयरिश वीक हमारे लिए रहा है, जो चाहिए होता है इंट्राडे रिटेलर्स को। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे लिए कौन सा लेवल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ऑब्वियस बात है, ये मुझे एक लास्ट स्विंग दिख रहा है जिसे मैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, बिकॉज ज़्यादा नहीं, अभी लेटेस्ट में जो है उसकी इज्जत अपनों करनी पड़ेगी। और एक रीज़न ये भी है स्विंग को रिस्पेक्ट करने का, क्योंकि चीज़ें समझिएगा, मार्केट हमेशा कहाँ ट्रेड करता है, ट्रेंड में ट्रेड करता है। अब यहाँ पर पहले ये स्विंग था, फिर मार्केट इसे ब्रेक किया, लास्ट स्विंग जो था वहाँ तक आया, यहाँ लगभग आया, लेकिन इसी के थोड़े से ऊपर से मार्केट क्या किया, एक अच्छा वापस हाई बनाने की कोशिश किया। क्या हाई ब्रेक हुआ? द आंसर इज नो, नहीं हुआ। अब मान लो यहाँ पे ये एक एज अ रिट्रेसमेंट देखूँ मान लो इसको मैं, तो यहीं से इसको वापस ऊपर उठना पड़ेगा। अगर नीचे आता है तो फिर ये एक पूरा क्या बन जाएगा, सही पकड़ो भाई, डबल टॉप पैटर्न, एम पैटर्न बन जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पर, तो फिर मार्केट रुकना मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, अभी अपन क्या है, अभी अपन है टोटल बेयरिश। सबसे पहले की चीज ये मैं क्लियर कर देता हूँ, अपन बेयरिश में बुलिश का व्यू क्यों देख रहे हैं? नहीं, व्यू नहीं देख रहे, अपन प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, क्या मार्केट ये कर सकता है? तो दी आंसर इज यस, ऑब्वियसली कर सकता है। ठीक है, लाइक ये देखो, एक बार जब यहां पर मार्केट बेयरिश ट्रेंड में ही चल रहा था और एक बेयरिश कैंडल बना था, तो अगला ही वीक वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल बन गया। तो ऐसा कुछ नहीं कि लास्ट कैंडल बेयरिश हो तो आने वाला वीकली कैंडल भी बेयरिश होगा, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, अपन देख रहे हैं अपन किस प्रकार मार्केट में अपना वर्क कर सकते हैं। हाल फिलहाल ओवरऑल वीकली व्यू मार्केट का जो है बहुत शानदार क्या है, बेयरिश है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है मेरे भाइयों। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं वीकली बेसिस पे कुछ लेवल्स मार्क करना चाहता हूँ, एक इच्छा तो है मेरी, देख लेते हैं क्या हो सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो मतलब अपना जो मार्केट जहाँ खड़ा है यहाँ से अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो कहाँ तक के लिए मार्केट ट्रेवल कर सकता है, इस पर्टिकुलर थिंग की अपन चर्चा करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर चल चलते हैं, यहाँ पर स्थिति देख लेते हैं क्या हो रखी है। ओके गाइस, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर बात की जाए यहाँ पर मार्केट में, तो एक इन्वर्टेड हैमर बना चुका है। ये पैटर्न क्या होता है इस पर मैं चर्चा करूँ, तो ये पैटर्न भाई एक रिवर्सल पैटर्न होता है, समझिएगा। ठीक है, ऐसा सेम पैटर्न मैं आपको शो करूँ, एक मिनट रुको, सेम पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पर चलेंगे, ये रहा, किस किस को याद है ये सेम पैटर्न, ये देखो यहाँ आया, ये इन्वर्टेड हैमर बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा मोमेंटम दिया, बट ये रिवर्सल दिया मार्केट में, है ना, ये रिवर्सल दिया, इसका हाई मेनली इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सेम पैटर्न अभी कहाँ बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर वापस चलेंगे, लेवल वापस मार्क कर दिए जाएंगे। ओके, अब ठीक है गाइस, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट अगर अपना जो प्रीवियस अभी लो बना हुआ है, मतलब अपना जो फ्राइडे मार्केट था
उसका जो लो था, याद रखिएगा, ये लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि लॉजिक क्या है। फ्राइडे मार्केट का लो था, वही इस हैमर का लो था, और लेवल था 44,550 का, 44,550 का लेवल था। अगर मार्केट ये लो ब्रेक करके डेली टाइम फ्रेम पर इसके नीचे क्लोज करता है तो आप समझिएगा मार्केट बेरिश है। अब एक चीज़ और मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे मार्केट बेरिश भी हो, पहले मैं बेरिश मार्केट में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरा, कितना पॉइंट था, 2000 पॉइंट लगभग गिरा। यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरा, कितना था, 1600 पॉइंट था। अब ये चीज़ देखना कि भाई यहाँ से यहाँ तक गिरा, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गिरा, फिर धीरे धीरे रिकवर कर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब रिट्रेसमेंट बहुत आवश्यक है। अब मार्केट कितने पॉइंट गिरा है ये चीज़ भी नोटिस कर लेते हैं, क्या बहुत ज़्यादा गिरा है जहाँ रिट्रेसमेंट नीडेड है, क्योंकि अभी तक मार्केट इतना पॉइंट, लगभग 1700 पॉइंट गिरा है और रिट्रेसमेंट नहीं आया, तो हो सकता है मार्केट छोटा बड़ा पुल बैक ले, जैसे यहाँ पर गिरा था ये पुल बैक, फिर गिरा, सेम कंडीशन यहाँ पर गिरा है, एक पुल बैक फिर गिर सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, देर इज़ नो इशू। मतलब यहाँ से अगर मार्केट बाइंग भी क्रिएट करता है तो ऐसा नहीं कि अपन बहुत भारी बायर्स बन जाएंगे या फिर सेलर्स बन जाएंगे, अपने लिए ये यहाँ से जो बाइंग आएगी ना वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगी, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं समझना, रीजन बहुत क्लियर है। अगर यहाँ से बाइंग आने के बाद वापस एक सेल आके ये लो ब्रेक करे तो अपन मार्केट में एकदम सॉर्टेडली बेरिश बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, बेरिश बन जाएंगे। ये अभी जो मार्केट चल रहा है ये अपना उस पूरे मार्केट के ऊपर व्यू है, ये टेक्निकल व्यू है, ओके। अब अपन चलेंगे डायरेक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम की क्या स्थिति रहेगी। एक तो ये व्यू रहेगा अपना कि गाइज अगर मार्केट क्या करता है, फ्लैट ओपन होता है और ये जो प्रीवियस डे का लो था 44,550 का, इसे ब्रेक डाउन करता है, अगर मार्केट इसे ब्रेक डाउन करता है 15 मिनट की एक कैंडल सस्टेनेबिलिटी देती है और रिट्रेसमेंट अगर वगैरह कुछ मिलता है, अगर ऐसी सारी सिचुएशन बनती है तो एक अच्छा खासा अपने लिए ट्रेड बन सकता है। टारगेट अपन डायरेक्ट रखेंगे 44,250 तक के टारगेट रखेंगे, अभी मार्केट का लेवल है 44,550 का लेवल है, ये ब्रेक होता है डायरेक्ट 250 तक के लिए, मतलब एक काफ़ी अच्छे पॉइंट का रैली हमारे लिए बन सकता है आने वाले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी में। अब वहीं अगर बात की जाए कि बाइंग कब करेंगे, भाई देखो बाइंग करते हो लो क्वांटिटी जरूर रखना, और क्वांटिटी के साथ साथ बाइंग आप देखिएगा 45,000 के ऊपर, कहाँ पर याद कर लो लेवल, बिल्कुल 45,000 के ऊपर मार्केट में बाइंग वगैरह देखना, उसके पहले मार्केट में बाइंग नहीं देखना, वो 45,000 भी नहीं 45,050 के ऊपर मार्केट में आप बाइंग देखिएगा, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, इतना दिमाग में आप डाल लीजिए, ये मेरा पूरा बैंक निफ्टी का व्यू होने वाला है। अगर गैप अप होता है तो अपन क्या करेंगे, एज ऑलवेज अवॉइड कर देंगे, भाई गैप अप होगा अवॉइड कर देंगे, गैप डाउन होगा क्या करेंगे, गैप डाउन होगा रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट करेंगे, टेक्निकली मार्केट में बेरिश बनेंगे, ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू होने वाला है। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी को आपको थोड़ा सा और इजी वे में समझना है तो ये एक अभी मार्केट कुछ इस प्रकार का बॉक्स बना दीजिएगा, इस बॉक्स के बाहर जहाँ ट्रेड करना मिले वहाँ आप मार्केट में उस डायरेक्शन में जा सकते हो, ये भी एक आपका एनालिसिस है। रीज़न बहुत क्लियर है, इस बॉक्स में सबसे पहले जो अपर साइड के लेवल है वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट किए थे, उसके बाद मार्केट बॉटम पे स्विंग बना चुका है, टॉप पे स्विंग बना चुका है, तो ये अपर साइड का जो लेवल है ये भी स्ट्रॉन्ग है, डाउन साइड का जो लेवल है ये भी स्ट्रॉन्ग है, दो दो बार दोनों साइड मार्केट जो है अटेम्प्ट ले चुका है, रजिस्ट सपोर्ट ले चुका है, डिमांड सप्लाई कर चुका है, तो जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड मार्केट में आपका मोमेंटम बन पाएगा। ये मेरा किस चीज़ का व्यू है, बैंक निफ्टी का प्रॉपर व्यू है आप सभी के लिए। अब बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, बिकॉज अपन निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है, आप सभी को बहुत क्लियर पता है, और निफ्टी 50 में मज़ा भी आता है, एक्यूरेसी भी मिलती है। अब डब्ल्यू से याद है, वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं निफ्टी 50 क्या कर रहे हैं। ओके गाइस, अब निफ्टी 50 में ना ये जो पैटर्न बना है ये मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है, कितना, बहुत जाना पहचाना लग रहा है ये पैटर्न। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ बना सेलिंग आई, यहाँ बना ये, यहाँ पे सेलिंग आई, मतलब कुछ तो सेल, ये तो चलो अलग था, यहाँ देखो यार एकदम डॉट टू डॉट सेम है, मतलब ये देखो यार मार्केट है ही वही कि हिस्ट्री रिपीट करे। आप देखना यहाँ पे जो पैटर्न है ये वाला, क्या सेम यहाँ पर है, और अगर है तो फिर मार्केट कितना फॉल हुआ था लास्ट टाइम, और बात यह है
कि मार्केट एक्चुअल में इतना तो चढ़ चुका है कि अब इसको रिलीफ चाहिए, थोड़ा रिट्रेस चाहिए। कब से चढ़ रहा है मार्केट अगर आप नोटिस करेंगे, बड़ा बड़ा अगर आप मार्केट देखेंगे, या अपन ऐसा बोल सकते हैं मार्केट गिरा कब से नहीं है, वन साइडेड कब से रहा है। मंडे 13 मार्च, मार्च महीने से मार्केट अगर देखा जाए तो वन साइडेड रैली ही किया है। मतलब निफ्टी जब 16,800 था वहीं से मार्केट चढ़ा है तो रुका है नहीं, बीच में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई देन अगेन बूम हुआ है, तो एक सेलिंग मिल सकती है। अब सेफ सेलिंग अगर आप सभी डिमांडिंग करेंगे, भाई सर सेफ सेलिंग कहाँ, इंट्राडे या पोजिशनल सेफ, भाई आप ऑब्वियस बात है प्रीवियस स्विंग के नीचे देखोगे, ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक लेवल है, वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या हो सकता है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखो भाई इसके नीचे मार्केट जाए हो सकता है वन साइडेड आ जाए, लेकिन एक रिट्रेस करके जाएगा तो फिर आपका मजा थोड़ा डबल हो जाएगा मार्केट का। वीकली टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस आप कब देखोगे, जब भी आने वाले टाइम में फ्यूचर में जब भी मार्केट 17,000 के नीचे जाए तो फिर बहुत बड़ा सेल मिलेगा आपको। लेकिन हाँ अभी हाल फिलहाल बड़ी बड़ी बात यह है कि मार्केट में बड़ा सेल आएगा 19,250 या 19,220, ये लेवल आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, मतलब एकदम मजा अगर 19,220 का लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करता है निफ्टी 50 एक दिन का भी कैंडल क्लोज मिल जाता है तो आप थोड़ा एक्सपेक्ट करिएगा कि मार्केट में एक बड़ा सेल आने वाला है। ये तो अभी दूर है मार्केट से, बट कोई ज़्यादा दूर है नहीं, 674 चल रहा है और 200 की बात है, 500 पॉइंट मार्केट कब कवर कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। डे टाइम फ्रेम पर सिचुएशन देख लेते हैं क्या हो रखी है। डे टाइम फ्रेम पर अगर बात की जाए तो निफ्टी अपने आप को पूरा बेरिश शो कर चुका है। यहाँ पर अगर मैं इस प्रकार का एक जोन मार्क कर दूँ तो इसमें कोई बुराई होगी नहीं, ठीक है। ये यहाँ तक के लिए, क्योंकि ये जोन आई थिंक ऑब्वियसली पहले में क्या रहा है, कौन सा जोन रहा है, बिल्कुल ये इसी जोन ने आपको पहले डिमांड दिया है, डिमांड मतलब बाइंग दी, फिर इसी जोन ने आपको क्या दिया यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड की। अब यही जोन ब्रेक हुआ है तो बहुत तगड़ी बाइंग प्रोवाइड की, मतलब जोन बहुत अच्छा है। अब ये जोन ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, यहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ा रिजेक्ट करे। अब यहाँ पर निफ्टी का सबसे पहले इस प्रकार एक लेवल में मार्क कर दूंगा, उसके बाद ऑन एन एवरेज एक ये और ये, ठीक है। अब इस जोन को मैं हटा दूंगा। अब इन्हीं लेवल्स को अपन किस प्रकार वर्क करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करें यार। ओके ये क्या है ना भाई, देखो अगर मार्केट क्या करता है, चलो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगी चीजें। यहां पर निफ्टी 50 कुछ इस प्रकार ये कर रहा है। गाइस मेरा यहां पर क्या व्यू होने वाला है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। अगर निफ्टी क्या करता है 19,655 का लेवल है, 9 लेवल लास्ट डे का जो लो है फ्राइडे मार्केट का, फ्लैट ओपन होता है ये ब्रेक करता है, आप इतना लेके चलो 19,600 का टारगेट निफ्टी 50 आपको देना ही देना है लगभग। ये है जरूर एक रिजेक्शन एरिया, बट पिछले टाइम पे मैं एनालिसिस अगर देखता हूँ प्रीवियस मार्केट्स को तो यहाँ पर ये 19,000 से ये 50 पॉइंट का रैली अगर मार्केट ऊपर साइड से ब्रेक करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको दे देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा अपने आप को सतर्क कर लेना है, यहाँ पे क्वांटिटी कम कर लेनी है और कोस्ट टू कोस्ट के एसएल के साथ ट्रेड करना है। अगर मार्केट सीटीसी लेता है पार्शली बुकिंग के साथ आप बिल्कुल एग्जिट कर दीजिए। अगर मार्केट क्या करता है यहाँ पर अपने आप को होल्ड करता है, अपने आप को कहीं ना कहीं एफर्ट मार के नीचे ले जाता है तो आप इतना लेके चलिए 19,563 के नीचे आप मार्केट में एक बड़ा सेल वैसे भी देख पाओगे। तो ये अपना निफ्टी 50 का व्यू है। वहीं अगर कंडीशन क्या होता है मार्केट एक गैप अप कर देता है तो गैप अप में अपनों को फिर थोड़ा सा वेट करना रहेगा। 19,800 का जो लेवल है निफ्टी 50 का स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन जहां पर सेलर एक्टिव आपके लिए मोस्टली होते हुए मिलेंगे, अगर यहां पर कुछ बेरिश पैटर्न मिलता है गैप अप होने के बाद कुछ भी बेरिश पैटर्न तो एक स्मॉल क्वांटिटी रिस्क रिवर्सल आप काम कर सकते हो, यहां से एक पुट प्लान कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट रिटेसमेंट सस्टेनेबिलिटी होती है तो आप या तो कॉल साइड में अटेम्प्ट कर सकते हो, लो क्वांटिटी ही रहेगा ये, और अगर अवॉइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन मार्केट को देखिए, बिकॉज डाउन ट्रेंड चल रहा है, अपर ट्रेंड कन्वर्ट होता है एक अप ट्रेंड के अंदर तो वहां पर थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। एक दिन कन्फर्मेशन के लिए नॉर्मली होता है कि चाहिए ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे
फिन निफ्टी के बारे में। एक चीज और यार, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो इस वीडियो को, और कमेंट ये पूरा वीडियो खत्म हो उसके बाद जरूर करिएगा। देखो फिन निफ्टी को मैं ज़्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं, बस एक चीज़ समझ लेना, ये फिन निफ्टी आपके लिए होमवर्क है। इस फिन निफ्टी को आपको एनालिसिस करना है बेस्ड ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ताकि आपको हेल्प मिले चीज़ों को समझने में। मैं लेवल दे रहा हूँ 19,700 के नीचे अपन फिन निफ्टी में बेरिश बनेंगे, 19,600 तक के टारगेट आपके लिए फिन निफ्टी के हो पाएंगे। बाइंग करनी है, बाइंग के लिए आप मिनिमम जो है 19,932 का लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। रीज़न बहुत क्लियर है मार्केट का। अगर स्विंग की बात करूँ तो हाल फिलहाल एक यही ऐसा स्विंग है जहाँ पर मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हुए मिलेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे जिस प्रकार मार्केट चला, एक ये लेवल बनता, फिर मार्केट निकला, एक ये लेवल बनता, और जिससे लास्ट डे का मार्केट रजिस्टर लिया है उस हिसाब से अपने पास 19,932 का लेवल है। वैसे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, मेरा पर्सनली व्यू जो निफ्टी फिन का रहेगा वो है कि 20,000 के पहले मार्केट में अपनों को बाइंग में नहीं घुसना है। 20,000 ब्रेक हो, सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करें, फिर अपन देखेंगे 20,040-50 के ऊपर के भाई मार्केट में हाँ कुछ बाइंग वगैरह देखना है, उससे पहले आप फिन निफ्टी में बेरिश बन के रह सकते हैं। गैप डाउन होता है, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में बाइंग बन सकती है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, एटलीस्ट कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, अब कमेंट एकदम छोड़ दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मंडे टू फ्राइडे हमारे साथ डेली जुड़िएगा, मॉर्निंग 3 बजे से दिन में 9 बजे तक, सॉरी मॉर्निंग 9 बजे से दिन में 3 बजे तक हमारे साथ डेली जुड़िएगा। वहाँ आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, और वहाँ पर भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी को एनालिसिस करते हैं लाइव मार्केट में, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि कहाँ एग्जीक्यूशन, कहाँ अवॉइड, कहाँ अपनों को किस प्रकार किसी पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करना है, स्टॉप लॉस एग्जिट करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें आप हमारे साथ लाइव में भी सीखेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, और जुड़े रहिए द बिग बुल 420 के साथ। मिलते हैं दोस्तों मंडे मार्केट मॉर्निंग लाइव 9 बजे।